आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं देखो सीखो एजुकेशन। हिमाचल प्रदेश के मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने जनवरी फरवरी और मार्च महीने के करंट अफेयर्स कवर करे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के 2021 अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। हिमाचल प्रदेश में पूरे मार्च महीने के दौरान महज 41.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई, जो सामान्य से कितनी फीसदी कम रही? तो इसका सही उत्तर रहेगा 62%। सिरमौर में सबसे कम 11 मिलीमीटर, जबकि हमीरपुर में 12 मिलीमीटर बारिश कम हुई है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए राज्य के कितने निजी स्कूलों को अभी तक संबद्धता नहीं मिल पाई है? तो जो टोटल आंकड़ा है वो है 154 स्कूलों का। हिमाचल में कब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है? इसका उत्तर रहेगा 1 अप्रैल 2021 से। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से संबंध रखने वाली पहली HRTC बस चलाने वाली इंटरस्टेट महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सीमा ठाकुर। देश के सबसे लंबे लेह दिल्ली रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम का केलांग डिपो 15 अप्रैल से बस संचालन की तैयारी कर रहा है। यह रूट कितना किलोमीटर लंबा है? इसका उत्तर रहेगा 1026 किलोमीटर। राष्ट्रीय पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट के मास्टर वर्ग के टेंडिंग इवेंट में 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर किसने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है? तो इनका नाम है जोगिंदर सिंह आजाद और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व आयुर्वेद मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन लाल का देहांत हो गया है। वह वर्ष 1998 से 2003 तक किसकी सरकार में आयुर्वेद मंत्री रहे थे? उस समय वह प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार में आयुर्वेद मंत्री रहे थे। HP शिवा प्रोजेक्ट के मुख्य चरण में वर्ष 2021-22 में बागवानी पर कितने मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे? सही उत्तर रहेगा 90 मिलियन डॉलर। किस वर्ष में HRTC का केलांग डिपो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था? उत्तर रहेगा 2017 में। मंडी के सरका घाट में देवभूमि फिल्म एंटरटेनमेंट व सिनेमांचल प्रोडक्शन के बैनर तले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित कौन सी लघु फिल्म को रिलीज किया गया है? तो इस फिल्म का नाम है मुकाम। हिमाचल प्रदेश की महिला फुटबॉलर अकादमी की कितनी खिलाड़ियों का चयन इंडियन वुमेन लीग के लिए हुआ है? तो ये 7 महिला खिलाड़ी हैं। शिशु पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह लाहौल स्पीति में है। कोकसर गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। माँ भंग्याणी मंदिर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो यह हरिपुर धार में पड़ता है। विलुप्त होने की कगार पहुंच चुकी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की सफेद हल्दी की फसल पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध शुरू हो चुका है। सफेद हल्दी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कचूर के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का निःशुल्क उपचार हो चुका है? प्रदेश में इस योजना में अब तक 5,21,698 लोग पंजीकृत हो चुके हैं। इस योजना का नाम है हिम केयर योजना। जानते हैं हिम केयर योजना के बारे में। हिमाचल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से शेष बचे परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्रदान करने हेतु हिम केयर योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,50,000 से अधिक परिवार पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1 लाख से अधिक परिवारों को योजना का लाभ भी प्राप्त हो चुका है, जिस पर सरकार द्वारा 85 करोड़ की राशि व्यय की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेल्डन लहामोधार किस जिले में स्थित है? तो यह लाहौल स्पीति में पड़ती है। अगला प्रश्न। जनपद का ऐतिहासिक सूही माता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इस जिले का नाम है चंबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वन्य जीव विभाग और मैसूर स्थित नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा देश भर में पहली बार हुए सर्वे में हिमाचल में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी पाई गई है? तो इनकी संख्या पाई गई है 73। अगला प्रश्न। चंद्रा नदी में देश का सबसे लंबा 16 किलोमीटर रिवर राफ्टिंग रूट होगा, यह नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो यह लाहौल स्पीति में बहती है और जहां पर चंद्रा और भागा नदियां मिलती हैं उस स्थान का नाम तांडी है और वहां से चिनाब नदी का निर्माण होता है। राजकीय स्तरीय हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को किस उपमंडल में धूमधाम से मनाया गया है? तो यह मंडी के पद्दर नामक स्थान पर मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले के हर थाने में वुमन हेल्प डेस्क होगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा शिमला। यह डेस्क पुलिस थानों व जिला पुलिस कार्यालयों में स्थापित होंगे। थानों को वुमन फ्रेंडली बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब और जम्मू कश्मीर में बहने वाली इंडस बेसिन की 5 बड़ी नदियां किस मिशन के अंतर्गत निर्मल होंगी? तो इस मिशन का नाम है नमामि गंगे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिरी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो यह 60 मेगावाट की परियोजना है। माला लोक नृत्य किस जिले में किया जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी यह किस वर्ष और किस वायसराय के लिए बनाया गया था? तो यह वायसराय लॉर्ड डफरिन के लिए 1884 में बनाया गया था। इसे वाइस रेगल लॉज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1888 में यहाँ के लिए बिजली की व्यवस्था की गई थी। ग्रीन पार्क कलुम्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह कुल्लू के निर्मण नामक स्थान पर स्थित है। भूतपूर्व केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हिमाचल प्रदेश में कौन सा सेंटर खोलने की घोषणा की है? इसका उत्तर रहेगा विंटर स्पोर्ट्स सेंटर। फिलहाल खेल मंत्री के पद पर अनुराग ठाकुर जी हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किरण रिजिजू को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। अगला प्रश्न रहेगा, डॉक्टर कमलजीत सिंह मधुसूदन विधि विश्वविद्यालय कटक के पहले कुलपति बन गए हैं, वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा वह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में बैटरी चलित गाड़ियां चलेंगी? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कांगड़ा के पालमपुर नामक स्थान पर स्थित है। हाल ही में मंडी जिले के किस मंदिर के सामने सदियों पुराना शिवलिंग प्राप्त हुआ है? तो इस मंदिर का नाम है पंचवक्त्रा मंदिर। अगला प्रश्न रहेगा, हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर के भोग और लंगर को A+ ग्रेड मिला है? इसका उत्तर रहेगा बाला सुंदरी मंदिर, और यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा जनजातीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर रामलाल मारकंडे। तेलंगनाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह कुल्लू में पड़ता है। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो हिमाचल के विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी हैं। अगला प्रश्न, सोलखड किस नदी की सहायक नदी है? तो यह ब्यास नदी की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार के महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम है वीरांगना ऑन व्हील्स योजना। इस योजना के तहत अब प्रदेश के हर थाना में महिला कांस्टेबल के लिए एक स्कूटी मुहैया करवाई जाएगी, ताकि महिलाओं के लिए अपराध मामले पर महिला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच सके। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी? तो यह संस्कृत और हिंदी है। चुरा घाटी का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो यह घाटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पड़ती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पहली जड़ी बूटी मंडी किस जिला में 50 लाख की लागत से तैयार की जा रही है? तो इस जिले का नाम है सोलन। कहिका मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कहिका मेला हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाया जाता है। विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे मार्ग, जो कि लगभग 96 किलोमीटर है, कितने साल का हो गया है? तो यह लगभग 118 साल पहले शुरू की गई थी, और 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेलवे मार्ग की शुरुआत की गई थी। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अधीन हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में चल रही शानन विद्युत परियोजना की कितने मेगावाट की पेनस्टॉक की पाइप फटने से बिजली उत्पादन ठप हो गया है? तो यह 110 मेगावाट की परियोजना है। मार्च 1925 में तत्कालीन मंडी रियासत के राजा जोगिंदर सेन तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार आगामी 2025 इसके ऊपर पंजाब सरकार का अधिकार रहेगा, और इसके बाद इस परियोजना पर हिमाचल प्रदेश का हक होगा। यह परियोजना ब्यास की सहायक नदी ऊहल नदी पर बनाई गई है। गुघाटी क्या है? तो यह शिमला और सिरमौर में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? उत्तर रहेगा जून 2014 में। 1171 वर्ग किलोमीटर में फैला पार्क में राज्य पक्षी जाजुराना का संरक्षण केंद्र बना हुआ है। यहाँ करीब 500 जाजुराना पक्षी हैं। अगला प्रश्न, 126 मेगावाट की लार्जी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह कुल्लू में पड़ती है। अगला प्रश्न, विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक के लगभग 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार महिला ट्रेन दौड़ाती हुई दिखाई दी हैं, इनका नाम बताएं? तो इनका नाम है दीप्ति अम्बाला, और यह छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय में कितने फीसदी बढ़ोतरी हुई है? तो यह 27% की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी 9,61,000 किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काइस वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो इस जिले का नाम है कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहली रेड क्रॉस ऐप लॉन्च हुई है? इस जिले का नाम है हमीरपुर।
अगला प्रश्न, हिमाचल सरकार में उद्योग एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो इनका नाम है बिक्रम सिंह ठाकुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमाचल प्रदेश में आंखें स्कैन कर राशन आवंटित करने वाली मशीनें स्थापित की जा रही हैं, ऐसी व्यवस्था करने वाला हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य होगा? उत्तर रहेगा पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पागल नाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यह कुल्लू में पड़ता है और अक्सर यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से यह न्यूज में रहता है। अगला प्रश्न, कॉफी टेबल बुक हिमाचल वर्ड्स अ विजुअल टीट के अनुसार भारत में देखे जाने वाले पक्षियों की सभी प्रजातियों में से कितने प्रतिशत से अधिक अब हिमाचल में भी देखी जा चुकी हैं? इसका उत्तर रहेगा 50%। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर परवाणु सोलन अनुभाग में 4-लेन परियोजना की कुल कितनी किलोमीटर की लंबाई है? उत्तर रहेगा 36.139 किलोमीटर। अगला प्रश्न, गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब और कहां किसने की थी? उत्तर रहेगा गोरखा रेजिमेंट की स्थापना 24 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने सोलन के सुबाथू में की थी। अगला प्रश्न, गत वर्ष हिमाचल प्रदेश में लगभग 340,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई की गई थी, इस साल लगभग कितने मेट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है? उत्तर रहेगा 672,000 मीट्रिक टन। मनाली में कितने वर्षों बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बर्फबारी देखने को मिली? उत्तर रहेगा 25 साल बाद। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अप्रैल महीने के एक दिन में कितने मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 42 वर्ष बाद अप्रैल में सबसे अधिक बारिश है? उत्तर रहेगा 86 मिलीमीटर। हिमाचल प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 23 अप्रैल की रात को केलांग में बीते 17 वर्षों में पहली बार अप्रैल में न्यूनतम तापमान कितने डिग्री रिकॉर्ड हुआ? तो यह -6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कहां पर 13 करोड़ रुपए का GST घोटाला सामने आया है? इस जिले का नाम है ऊना, ऊना के गगरेट नामक स्थान पर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश की किस पंचायत को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? विकास खंड बैजनाथ की घोड़पीठ भद्रेण पंचायत। इनमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार तथा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार शामिल हैं। इन पुरस्कारों के तहत पंचायत को विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की राशि भी सरकार द्वारा दी गई है। घोड़पीठ पंचायत को वर्ष 2015 से पहले भद्रेणा ग्राम पंचायत के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल्टी लिमिटेड के द्वारा। उत्तर भारत में सबसे कम उम्र की टैरो कार्ड रीडर कौन बनी है? तो इनका नाम है आकांक्षा और यह चंबा शहर की रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में 11 करोड़ से मॉडल कृषि फार्म विकसित होंगे, इन 4 जिलों के नाम बताइए। तो ये जिले हैं सोलन, लाहौल स्पीति, कांगड़ा तथा ऊना। अगला प्रश्न रहेगा, जना झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यह कुल्लू में पड़ता है। यह लोकप्रिय झरना जनाना गांव में स्थित है। यह मनाली से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जीवनी खड्ड किस नदी की सहायक नदी या खड्ड है? तो यह ब्यास नदी की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है राजेंद्र गर्ग। हिमाचल के कितने जिलों में कृषि बीजों की DNA टेस्ट प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी? तो यह 10 जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो इनका नाम है अनिल खाची। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बने कोल डैम में किस प्रजाति की मछली का ट्रायल सफल हुआ है? तो यह ट्राउट मछली है। 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है सतपाल सिंह सत्ती। यह वित्त आयोग पंचायतों और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। नाबार्ड के नियम तोड़ने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने राज्य सहकारी बैंक शिमला पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI ने इस बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं? तो यह 3 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ हैं। अगला प्रश्न, शिमला के बाद पालमपुर, मंडी व सोलन और अब प्रदेश में कहां पर नगर निगम बनेगा? सही उत्तर रहेगा बिलासपुर में। केंद्र सरकार की स्टार योजना के तहत हिमाचल को इस साल कितने करोड़ की राशि जारी होगी? तो यह लगभग 145 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जानते हैं स्टार योजना के बारे में। तो स्टार योजना की जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा देना और धन उपलब्ध करवाना है। तो यह थे हिमाचल प्रदेश के अप्रैल 2021 महीने के करंट अफेयर्स। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट dekhosikho.guru पे विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, लेके आएंगे मई महीने के करंट अफेयर्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।